दोस्तों, चोरी करना दुनिया के किसी भी देश में गलत और गैर कानूनी है। फिर चाहे इन चोरियों को करने वाला इसे अपना काम या फिर मजबूरी भी कहे, यह गलती होता है। चोर कोई भी चोरी करने के लिए कई सारी प्लानिंग्स करते हैं। चोर हमेशा अपने आप को शातिर और चालाक बनाते रहते हैं, लेकिन इनमें से भी काफी सारे बेवकूफ भी होते हैं जो अपनी ही करतूतों की वजह से लोगों, कैमरा या पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अतरंगी चोर दिखाने वाले हैं जो काफी आपका नॉलेज बढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो काफी मजेदार और नॉलेजेबल होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीव्स पार्ट 11। चोर अपनी शक्ल छुपाकर चोरी करते हैं, लेकिन इन भाई साहब का स्टाइल थोड़ा अलग है। पहले तो ये नंगा पुंगा होकर इस घर के बाहर चोरी करने आया, लेकिन घर में मौजूद लोगों ने सीसीटीवी में उसे देखा और उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। You're not coming in here. Bye. It's the fucking door. Bye. Take you and your no shirt. लेकिन इस सस्ते नशेड़ी भाई साहब ने देखो क्या किया, घर के अंदर का माल नहीं मिला तो दरवाजे का कैमरा ही चुरा लिया और उस कैमरे को अपनी स्माइल दिखा दिखा कर वहाँ से ले गया। जरा इसकी पैंट पर भी गौर करी लो, जो इतने नीचे पहनी है कि देखो ही मत। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कुछ हफ्तों पहले का ये वीडियो है जिसमें ये लड़की रास्ते से चलती हुई जा रही थी और अचानक से अपने भाई और मुड़ गई, जैसे वो अपने घर में ही घुस रही हो। लेकिन ये क्या, ये तो चोर ने निकली जो दरवाजे के ऊपर बनाए हुए लेटर के होल में से हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी घर के अंदर रहने वाले आदमी ने ऐसा करते हुए इसे देख लिया, तेरा तो गेम बचाना पड़े, और उसने अपने हाथ में मौजूद पेपर से उसके हाथ पर जोर जोर से मारा, जिससे उस चोर ने अपना हाथ फौरन ही बाहर खींच लिया। और इसके एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे बहुत ही जोर से लगा है, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। स्कूल में बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती है और बुरी आदतों से दूर रहने को कहा जाता है, लेकिन बड़े होकर कुछ लोग ये बात भूलते हैं। 6 अक्टूबर 2017 की ये वीडियो है जहां ये कपल अपने बच्चों को लेकर स्कूल में शायद एडमिशन के लिए आए थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो इन्हें टीवी चुराना था और दोनों ही पति पत्नी उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पत्नी आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रही थी और पति टीवी निकालने की कोशिश कर रहा था और बच्चे तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन जब टीवी नहीं निकला तो उसने पास रखे बेंच को टीवी के पास लाया और उस पर चढ़कर आखिरकार टीवी वहां से निकाल ही लिया और उसे लेकर खिड़की से रफू चक्कर हो गया। ये तो बड़ी ही डेंजरस फैमिली निकली, जिनके ऊपर किसी को तिनके का भी शक नहीं हुआ। बिल्कुल गेट के सामने रखी बाइक को चुराने के लिए यह नमूना आता है, जो गाड़ी पर बैठते ही कैमरा देख लेता है, जिसके बाद उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह वापस जाकर थैली पहनकर आता है और गाड़ी को ले जाता है। लेकिन देख के तो लगता है कि भाई खुद की ही गाड़ी चुराने की एक्टिंग कर रहा था, या तो ये चोरी की फनी वीडियो बनाना चाहता था या फिर किसी और की गाड़ी चुराने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि भाई ने गाड़ी चुराते चुराते थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर ली। पहले के समय में चोर कीमती चीज है जैसे पैसे, सोना और चांदी चुराया करते थे। इन चोरियों को होने से रोकने के लिए लोग अपने घरों में कुत्ता पालते थे ताकि चोर उन घरों से दूर रह सके, लेकिन आजकल चोर इन कुत्तों को भी चुराने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चाइना के इस वीडियो में चोर वैन लेकर आए और एक स्टोर के बाहर कुत्ता बांधा हुआ है, उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींचकर बिठाया और उड़ा ले गए। एक दूसरी जगह का भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहाँ दो लोग बाइक पर आते हैं और एक घर के बाहर खंभे से बंधे हुए एक कुत्ते को चुरा कर वहां से ले जाते हैं। बाद में ये उन बेजुबान जानवरों को कहाँ ले जाते हैं ये सोचकर भी डर लगता है। लोग जिन चोरों से बचने के लिए इन्हें घरों के बाहर रखते थे, अब वही बेचारे बेजुबान जानवर इन चोरों का निशाना बन गए हैं, क्योंकि इन चोरों का कोई ईमान ही नहीं है। इसलिए आप पालतू जानवरों का खुद ही ख्याल रखें और उन्हें घर के अंदर रखें, ना कि बाहर। अब जिस चोर को आप देखेंगे तो उसे देखकर आप भी कहेंगे, अरे बस कर पागल औरत, पागल औरत।
दरअसल भाइयों 2 अप्रैल 2019 रशिया के एक छोटे शहर के जनरल स्टोर की ये सीसीटीवी फुटेज है, जहाँ ये मोहतरमा कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीजें खरीदने आई थी, जिसने बोतल का बिल करवाया और फिर वहाँ से काम करने वाली लड़की से अलग अलग चीजें मांगने लगी। फिर क्या था, हो गया खेल शुरू। मैडम ने मौका देखकर पहले अपने जैकेट में दनादन चीजें भरना शुरू कर दिया, जिसके जैकेट जैसे जैकेट नहीं होकर डोरेमोन का पॉकेट है, जिसमें ये चीजें डालती जा रही थी। जो भी सामने दिख रहा था वो ये भरते ही जा रही थी, फिर वो चम्मच हो या फिर खाने की चीजें। ये महिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो महिला ने हद ही कर दी, जो लड़की के सामने की चीजें उठा ली और जैकेट में भरने लगी, जो लड़की ने देख भी लिया और उसे चुराई हुई चीज को वापस रखने के लिए कहा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन मोहतरमा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें ढाप ली थी। आंटी को इतना सारा सामान निकलते हुए देख बाजू में खड़ी ये लड़की भी चौंक गई। मोहतरमा एक दो चीजें चुरा कर रुक जाती तो उसे वो मिल भी जाती, लेकिन लालच में इन्होंने तो हद ही पार कर दी और कुछ भी नहीं चुरा पाई। मोबाइल की दुकान में लाखों का सामान होता है, जिसे चोरों से बचाने के लिए कड़ी सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में भी चोर दुकानदार के सामने चोरी कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये फुटेज 16 मई 2018 की रशिया के एक मोबाइल के दुकान की है, जहां एक आदमी आईफोन खरीदने आया था। यहां तक कि वो सारे पैसे भी दुकानदार के सामने दिखाता है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो पहले फोन देखेगा और उसके बाद ही वो फोन खरीदेगा। दुकानदार उसे फोन बॉक्स से निकाल कर दिखाता है और उससे कहता है कि वो उसे फोन ऑन करके भी दिखा देगा। लेकिन कस्टमर उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ मोबाइल का डिजाइन देखना है। वो कुछ देर तक उस मोबाइल को देखता है और चुपके से अपने जेब में से उसी तरह का वैसा ही फोन निकालता है, लेकिन ये थोड़ा डमी मॉडल या फिर वैसा ही दिखने वाला फोन था। दुकानदार उसे उस मोबाइल के साथ लगने वाली और चीजें दिखाने लगता है। उसी में ये कस्टमर बड़ी चालाकी से जेब से निकाले हुए फोन को नए फोन से बदल देता है और नए फोन को अपनी जेब में डालकर दुकानदार से कहता है कि अभी उसे बिल दे दे। लेकिन जब वो काउंटर पे बैठी लड़की उन पैसों को गिनती है तो उसे काउंटिंग में गड़बड़ नजर आती है और वो कहते हैं कि ये पूरे पैसे नहीं है। ऐसे में वो कस्टमर उन पैसों को लेता है और खुद फिर से गिनने लगता है, लेकिन गिनने के बाद उसे भी ये नजर आता है कि पैसे सच में कम है। दरअसल ये उसी की चाल थी कि पैसे कम देकर फिर से वो किसी बहाने से अपने पास ले सके। पैसे अच्छे से गिनने के बाद वो ये कहता